रक्षाबंधन के जश्न में डूबा था। तो वही राजधानी में भी प्रदेश की नई नवेली राज्यपाल को भी भाइयों की कमी महसूस नहीं हुई। सीएम योगी खुद राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन से राखी बंधवाई। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी पहुंचे और राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री ने बधाई संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। ये पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता और सद्भाव की भावना का प्रतीक है। वहीं सीएम आवास पर भी बड़ी संख्या में बहनी राखी मनाने पहुंची थी। 5 कालिदास मार्ग पर रक्षाबंधन के पर्व पर विकलांग बच्चों से सीएम योगी ने राखी बंधवाई। और साथ साथ हजारों वर्षों की एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मानते हैं, भारत की पर्व और त्योहारों की परंपरा ने कितना महान योगदान दिया है समाज को जोड़ने के लिए। ये केवल एक सूत्र का बंधन नहीं है, एक संकल्प भी है समाज के पवित्र बंधन का और समाज के आपसी भाईचारे के संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करने का भी, राष्ट्र को भी और प्रत्येक नागरिक को भी भुगतना पड़ा है। ये भारत के अंदर भाई बहन की पवित्र परंपरा को तो प्रदर्शित करता ही है, साथ साथ इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है और इसकी जड़ें कितनी गहराइयों तक जाकर के समाज के स्पंदन को एक नई गति देता है। विकलांग बच्चों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी को राखी बांधी। सीएम ने सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की बधाई दी। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि इनके अथक प्रयास से एक भारत श्रेष्ठ भारत इस बार मुमकिन हुआ है। वहीं 3 तलाक बिल पास होने से नारी गरिमा के रक्षा का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारत सरकार के एक संकल्प के कारण, एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के कारण फिर से वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का पाठ बना है, उसका हिस्सा बना है। हम सबको एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इन उच्च परंपराओं के साथ जुड़ने और भारत के 73वें स्वाधीनता दिवस के इस आयोजन को भव्यता के साथ मनाने पर गौरव की अनुभूति होती है। यह रक्षाबंधन का कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सैकड़ों वर्षों की 3 तलाक की प्रथा से देश के लाखों लाख बहनों को मुक्ति मिली है। नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी चाहिए, या कानून का राज हो, समाज में सौहार्द का माहौल हो, परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की एक परंपरा को हम आगे बढ़ा सकें। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 3 तलाक के खिलाफ भी भारत सरकार ने कानून बनाया और उस कानून के लागू होने के साथ ही नारी गरिमा की रक्षा का भी एक नया युग का शुभारंभ भी इसके साथ होता है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कुंभ के सफल आयोजन, भारत की उभरती ताकत, धारा 370 समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को बधाई दी और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के लिए लोगों को धन्यवाद किया। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
मैं महेंद्र कुमार राजपूत, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा, समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।